IBA Grads, gateway to your desired future. Assalamu alaikum, this is Hunain. पास्ट में हमने ऐसी वीडियोस बनाई थी जिसमें हमने ये बताया था कि 20 डेज में कैसे आईबी की तैयारी होगी, 15 डेज में कैसे आईबी की तैयारी होगी. व्हाई नॉट मेक अ वीडियो एट द बेस्ट पॉसिबल टाइम टू प्रिपेयर फॉर आईबीए? दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 3 to 3.5 months. करंटली हम अक्टूबर में, और अभी आईबीए का जो टेस्ट राउंड वन एक्सपेक्टेड है वो फेब के फर्स्ट वीक में है. दैट्स ऑफ बीबीए एंड एसीएफ एंड अदर बीएस प्रोग्राम्स. और मार्च के फर्स्ट वीक में देयर्स गोना बी बीएससीएस एंड इकोनॉमिक्स एंड मैथ. तो अगर हम ऑल इन ऑल बात करें, ये जो पीरियड होता है ये सबसे अमेजिंग पीरियड होता है आईबीए की तैयारी के लिए. व्हाई? बिकॉज यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम. नंबर टू, यू कैन मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर ए लेवल स्लैश इंटर्स एंड योर एप्टीट्यूड टेस्ट, दोनों की तैयारी मिल के करी जा सकती है. पांच पॉसिबल चीज़ें जिनका आपने ध्यान रखना है. नंबर वन, यू नीड टू चूज द बेस्ट पॉसिबल कोचिंग सेंटर या एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन सेंटर फॉर यू. आई एम नॉट गोना टेल यू कि आपने कहाँ जाना है, बट मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आपने वो जगह चूज करनी है जो कि आपके आपको पॉसिबली बेस्ट लगती हो. अब वो कैसे, वो आपके ऑब्वियसली रिसर्च के ऊपर होगा. नंबर टू, आपने कोचिंग सेंटर या एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन सेंटर ज्वाइन कर लिया है तो अब आपने उनकी सुननी है. बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं एक्स वाई जी जगह ज्वाइन करते हैं, ए बी सी जगह के टीचर्स की ज़्यादा सुनते हैं क्योंकि उनके दोस्त वहाँ चले गए थे. तो भाई ये काम तो आपको पहले करना था ना, कौन से सेंटर जाना है कौन से नहीं जाना. अब आप जहाँ भी चले गए हो, इट्स लिटरली द बेस्ट फॉर यू, आपके फेट में ये था, तो आप उनकी सुनो. लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपकी बारी है कि उनकी सुननी है. लोग सुनते नहीं हैं, ये आपको ऑनेस्टली जब आप जाएंगे ना किसी सेंटर तो आपको एहसास होगा. नंबर थ्री, ये जो सिलेबस है आईबीए का सिलेबस, ये ना कोई इसका सर है ना कोई इसका पैर है. इट्स अ ह्यूज ह्यूमंगस कोर्स. इसकी अगर मैं मैथ की बात करूँ तो ओ लेवल की मैथ, इंटर की मैथ, ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो इस पेपर में ना आता हो. यू स्टार्ट, मैं ये बहुत सारी वीडियोज में बता चुका हूँ, मैं फिर हल्का सा रिकैप दे देता हूँ. एल्जेब्रा, रेशियो प्रोपोर्शंस, फ्रैक्शंस, सर्ड्स एंड इंडाइसेस, इनइक्वालिटीज एंड मॉडुलस, ह्यूज बहुत कुछ है पेपर में, ये सब कवर करना होता है. टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, आपको वोकैब करनी है, आपको पैसेजेस करने हैं, आपको क्लोज पैसेजेस करने हैं, आपको कॉम्प्रिहेंशन करने हैं, शॉर्ट कॉम्प्रिहेंशन हैं, लॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन हैं, पोम्स हैं, पता नहीं कितनी चीज़ें, ये सब आपने करना है. तो ये सब सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब आपका नंबर फोर एक प्रॉपर प्लान होगा. हर सेंटर की अपनी खासियत होती है. इफ आई टॉक अबाउट आयर्स, हमारी मेजॉरिटी क्लासेस वीकेंड्स पे होती हैं, सैटरडे संडे. दैट्स 4 hours ऑन सैटरडेज, 4 hours ऑन संडेज. तो अगर आप 8 घंटे क्लास को दे रहे हो तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2 times आपने घर पे देने हैं. तो अप्रॉक्सीमेटली 12 घंटे से 16 घंटे के दरमियान आपने घर पे देने हैं. तो ये कुल मिला के 20-22 घंटे पर वीक आपने देने हैं और इंशाल्लाह यू आर गुड टू गो. एंड लास्टली पॉइंट नंबर फाइव, भाई पॉइंट नंबर फाइव सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई बहस ही नहीं है. व्हाई? ये बात होती है कंसिस्टेंसी की. आपने 7 दिन कुछ नहीं पढ़ा, 2 दिन में आप 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं. तो ये तो ऑब्वियसली ये तो अल्लाह का निज़ाम ही नहीं है ना. अल्लाह ने हर चीज़ पीरियोडिकली बनाई है, चैनल के थ्रू बनाई है, लूप के थ्रू बनाई है. रोज़ाना थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे और बनिस्बत आप एक साथ बैठ के करेंगे तो उसका कोई कंपेरिजन नहीं है. 2 hours a day, 5 days a week या फिर 10 hours in 1 day, दोनों 10 घंटे हैं, लेकिन दोनों में जो फ़र्क है ना, वो आप मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है. ये 5 चीज़ों का ख्याल रखना है आपने. अच्छा, इसमें एक बात ये आती है कि हुनैन भाई ने ये बोला है कि कोई सेंटर ज्वाइन करें, वाई नॉट बी प्रिपेयर एट होम? कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मेजर मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेट इन टू आई बी ए थ्रू आर मटीरियल, और ये तो एक बहुत बड़ा नॉर्म है. इसमें ये ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर मेक और ब्रेक ऑफ योर करियर. सो why द अर्ज टू स्टडी एट होम ऑन योर सेल्फ? मतलब आप कहीं से प्रिपेयर करें, आप पक्का काम करें. इनफैक्ट आप उन लोगों से बात करेंगे ना जिन्होंने कहीं से प्रिपेयर किया था और उनका आईबीए में नहीं हुआ था, वो भी आपको ये बोलेंगे यार कोई दुख नहीं है, कोई अफसोस नहीं है. ऑब्वियसली एक्सेप्शंस होती हैं, आउटलायर्स होते हैं, कुछ लोग ज़रूर बोलेंगे, लेकिन 90-95% बच्चे ऑनेस्टली, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपको बोलेंगे यार मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मेरी अपनी गलती थी, या मैंने चैप्टर सही नहीं किया था, यार मेरी कोताही थी, या मैंने छुट्टियाँ कर ली थी, वरना काम तो पूरा हुआ था.
और अल्लाह ने करे अगर आईबी नहीं होता है तो ऑब्वियसली जो जो इसके बाद जो ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आपके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो इट्स हाईली रिकमेंडेड फॉर यू टू क्या नाम है अपना प्रिपेयर योर सेल्फ नाउ दैट यू हैव ज्वाइंड इन. और अब आप तैयारी कर रहे हो तो उस तैयारी में आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है. अपने टीचर की खूब सुननी है, घर पे खूब टाइम देना है, ऐसी पढ़ाई करनी है कि जो क्या आपके इंटर और ए लेवल्स को बैलेंस करें. मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि आप इंटर ए लेवल्स छोड़ दें, लेकिन ऐसी पढ़ाई करनी है जो कि चीज़ों को बैलेंस आउट करे. क्योंकि जो राउंड वन है ना, राउंड वन पास करना एक ऐसी नेमत है कि मेरा बस नहीं चलता कि मैं इन सारी वीडियोज़ में इन उन बच्चों को बिठाऊँ जिन्होंने राउंड वन क्लियर करा है. मुझे वो जब मिलते हैं, मुझे वो जब फ़ोन करते हैं, उनके दिमाग में एक ही बात होती है, यार हुनैन भाई दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल थिंग्स ऑफ आवर लाइफ्स. हमारी जान छुट गई. इमेजिन आपका ए टू और इंटर नहीं ख़त्म हुआ और आपका आई बी में एडमिशन हो गया. इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी? कोई प्रेशर ही नहीं है आपके ऊपर. जब लोग इन राउंड टू की तैयारी के बारे में सोच रहे होते हैं, आप एडमिशन ले चुके होते हो. तो भाई इसका खूब ख्याल रखना है आपने. इसके बाद आपने भाई टेस्ट होते हैं, टेस्ट. पूरे कोर्स की प्रिपरेशन एक तरफ और ये टेस्ट एक तरफ. हम अपने टेस्ट को कहते हैं ग्रैंड टेस्ट. लोग इसको नॉर्मल दुनिया में इसको कहा जाता है मॉक, हम इसको ग्रैंड टेस्ट कहते हैं. ये आईबी के पैटर्न पे होते हैं. टेस्ट को सॉल्व करना, टेस्ट की स्कोरिंग करना और टेस्ट का रिव्यू करना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब आप समझ लें आपका क्लियर करना इसी के ऊपर डिपेंडेंट है. इसके बाद बारी आती है पास पेपर्स की. पास पेपर्स जो आईबी की वेबसाइट पे हैं वैसा पेपर बिल्कुल नहीं आ रहा है. पेपर हैज़ बीन फ्लिप्ड 2019 से ऑनवर्ड्स पेपर बिल्कुल चेंज हो गया. और पेपर कैसा आ रहा है वो आईबी ने पास पेपर्स अपनी वेबसाइट पे नहीं डाले, तो वो आपको ऑब्वियसली लोगों के थ्रू, सेंटर्स के थ्रू मिलेंगे जो लोग उनको रिक्रिएट करते हैं. और इसके अलावा हर सेंटर के अपने टेस्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल 2020 में जैसा पेपर आया है वैसे हमारे पास 5 पेपर रेडी हैं जो हम बच्चों को कराते हैं. इसका फ़ायदा ये होता है व्हेन यू डू रेलिवेंट पेपर्स तो उसका इम्पैक्ट फिर अलग होता है. बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये जो पास पेपर्स हैं ये 17 से पहले या 17 के पेपर्स हैं. ऐसा तो पेपर आ ही नहीं रहा. लोग तैयारी कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, पेपर आता उनको समझ नहीं आता ये तो हमने तैयारी नहीं करी थी. तो टेस्ट को अच्छे से करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इमेजिन करें आपका कोर्स भी हो गया है, आपके सारे टेस्ट हो गए हैं, 20-25 पेपर्स कर चुके हैं आप, आपके पास टाइम है, आप थोड़ा सा 60 के पेपर्स भी कर लें. तो ऑल इन ऑल इन सारी चीज़ों से मिलके ही पेपर पास होता है. तो ये जो 3 महीने, इन 3 महीने को बड़े सुकून से, बड़े इत्मीनान से लेके चलना है और इंशाल्लाह पेपर पास हो जाएगा. और कोशिश ये करनी है डायरेक्ट एडमिशन हो. इंटरव्यू पास करना कोई ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन राउंड वन, यकीन करें दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल थिंग्स विच कैन हैपन टू यू. इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं इसको और एलैबोरेट करूंगा जैसे जैसे टाइम जाता रहेगा कि 2 महीने में कैसे प्रिपेयर करें या फिर 1 महीने में कैसे प्रिपेयर करें. बस इसके ऊपर आप सब ने मेहनत करनी है इंशाल्लाह. एंड होपफुली इफ़ यू डू दिस, ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू आर इन. अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़.